एक सड़क सुरक्षा को लेके, उसकी जागरूकता को लेके एक रैली निकाली गई है, जिसमें हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टू व्हीलर हैं वो हेलमेट पहन के वाहन चलाएं। आज इसमें बाड़मेर पुलिस प्लस जो परिवहन विभाग है उसकी संयुक्त तत्वान से ये रैली निकाली गई है। इसके बाद आने वाले दिनों में हम समझाइश का दौर भी चलाएंगे, समझाइश के दौर के बाद फिर जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस मुहिम के साथ मीडिया का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जागरूकता का अभियान हम चला रहे हैं। ये मैसेज आपके माध्यम से भी सभी जनता तक पहुँचे, यही मैं कल्पना करता हूँ। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं आप, ज़्यादातर पुलिस के डर से, चलान के डर से ही हेलमेट पहना जाता है। हेलमेट पहना भी जाता है तो बहुत लोअर स्तर का पहना जाता है, जिसमें कि प्रोटेक्शन की कोई होती नहीं। तो हम आने वाले दिनों में, जैसे मैंने बताया, यही कोशिश करेंगे कि जागरूकता करके लोगों से समझाइश भी करें, भी अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने, उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सड़क चौराहे पर यू टर्न का प्रवेश नहीं करें 30 की स्पीड में, एवं फोर व्हीलर वाहन चालक सीट बेल्ट अपने ठेलों को खड़े करें। जैसे ये नॉन वाइंडिंग जोन और वाइंडिंग जोन के नियमों की पालना करें, एवं सभी व्यापारी बंधुओं से भी हमारा निवेदन कि वे अपनी दुकानों का सामान बाहर रोड पर या पटरी पर नहीं रखें, जैसे दुकानों का सामान रोड पर या पटरी पर नहीं रखें। आप सभी इन नियमों की पालना करेंगे अन्यथा सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी। मत कर, मत मैं मत कर, मत हम साइड ऑफ बॉडी डैड देन फोन मार रहे हैं। और ये ले लिया ना वन मत रात खाता हूं मेरा सर। सभी टू व्हीलर वाहन चालक अपना हेलमेट पहन कर ही गाड़ी चलाएं, सभी वाहन आप पूरी ले। जी हां, सड़क चौराहे पर यू टर्न का प्रवेश नहीं करें, एवं सभी टू व्हीलर वाहन चालक अपना हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं। सभी हाथ ठेले वालों से भी हमारा निवेदन कि वे अपने हाथ ठेलों को भी हेलमेट का प्रयोग करें, और साथ में यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों को संदेश करें। और आज भी हमने जागरूकता रैली फैलाई कि भी सभी हेलमेट लगाना चाहिए, पुलिस भी लगा रही है, सभी लगा रहे हैं, तो सभी को लगाने का दायित्व बनता है। ये भी यहाँ पर हेलमेट साथ में थी आपकी रैली? ये अभी बाद में को आई अभी, लेकिन वो पहले निकल रैली साथ में नहीं, हेलमेट वाली रैली में साथ ही 3-4 ये महिला कॉलेज के थे और कुछ प्राइवेट थे, कुछ पुलिस के थे। सर आप खुद सीट बेल्ट नहीं लगा बैठे? नहीं, अभी तो मेरे को बार बार उतरना पड़ता है, इसलिए मेरे को सीट बेल्ट नहीं लगाया था। तो पब्लिक सारे सब नहीं, बार बार नहीं उतरना पड़ता, मेरे को बार बार उतरना पड़ता है, और मतलब इसलिए मतलब सीट बेल्ट का यूज मैं मतलब लोकल में हूँ। अगर मतलब लंबे चलना हो तो बिल्कुल सीट बेल्ट का यूज। तर्क है या नियम है? ना, तर्क नहीं, नियम मैं बता रहा हूँ कि ट्रैफिक में है ना, जैसे मेरे को बार बार उतरना, किसी समझाइश करनी और करनी, मैंने बांध लिया, मैं बंद गया। लेकिन हम खुद मान लेगा इसकी पालना करा रहे हैं, तो हम एक नहीं तो ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं, और बिल्कुल हमारा फोकस है सिर्फ ट्रैफिक की तरफ ही रहता है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये नियम है कि जो आप जैसे इमरजेंसी सर्विस में हो, हाँ, वो बार बार जिसको उतरना हो गाड़ी से? नहीं, नियम का ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ आपको, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे बार बार उतरना और है हमारा, मतलब मैन जो हम ट्रैफिक की पालना करा रहे हैं, हमारा हम लापरवाही नहीं करें, फोकस हमारा उस पर रहता है। लेकिन जो ड्राइविंग आम ड्राइविंग जो करके जाता है उसका दिमाग पता कहाँ का चलता है। अब हम यातायात पर फोकस कर रहे हैं तो पीछे की सब बातें भूले हुए जब तक इस यातायात पर चल रहे हैं। और जब आप आम आदमी की श्रेणी में तो सीट बेल्ट, बिल्कुल सीट बेल्ट का यूज करते हैं, आप देखना कभी प्राइवेट में चलेंगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलेगा। और नम्रता स्थापना है, उसके बाद में 22 तारीख को हमारे संयुक्त कार्रवाई चलेगी, उसमें 22 तारीख को पूरे दिन यहाँ सिटी में हाईवे पे समझाइश करेंगे, आपका भी सहयोग लेंगे, आप भी हमारे साथ रहें। और 22 तारीख को पूरे दिन समझाइश के बाद 23 का एक ब्रेक देंगे, और 24 के बाद के हमारा अभियान, संयुक्त अभियान चलेगा, तो कार्रवाई इसमें सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करेंगे। धन्यवाद।